Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss the identification of quadrants here. ठीक है, अब देखिए ये quadrants हैं क्या और हम इसकी क्या naming करेंगे, basically यहाँ पे हम ये discuss करेंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पे जो horizontal और vertical axis है ये दोनों consider करते हैं. ठीक है, तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस है उनको हम प्रॉपर यहाँ पे प्लॉट करते हैं. ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई रख सकते हो जिस मर्जी से डिनोट करें. ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. जब हम इन सब को मार्क कर लेते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक ओरिजिन पॉइंट आता है दैट हैज कोऑर्डिनेट्स 0 0. ठीक है, तो ये फोर क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, इसको हम हमेशा डिफाइन करते हैं, ये क्वाड्रेंट 1 है, ये क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फोर क्वाड्रेंट्स हैं एंड दीज क्वाड्रेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Q1, Q2, Q3, Q4, Q1. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम इनको हमेशा इस तरह नहीं करते हैं. अच्छा, वन थिंग मोर, यहाँ पे हमने न्यूमेरिक फॉर्म में 1 2 3 लिखी है ना, तो क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम रोमन में लिख रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 और इस फॉर्म में 2, इस फॉर्म में 3 और इस फॉर्म में 4 लिखे. ठीक है, और वन इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इज हियर इज कि यू शुड हैव टू मेंशन दीज क्वाड्रेंट्स एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्वाड्रेंट 1 को यहाँ मार्क किया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस फॉर्म में होती है ना, इस वजह से फिर आपने सेकंड क्वाड्रेंट को यहाँ मार्क किया है, थर्ड को यहाँ मार्क किया है और फोर्थ को यहाँ मार्क किया है. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये जितने भी क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं उन क्वाड्रेंट्स में पॉइंट्स को हम कैसे लोकेट करते होते हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स को कैसे मार्क करते होते हैं. देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि दोनों एक्सिस को अगेन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सिस भी मेंशन कर देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स प्राइम एक्सिस है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सिस आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एक्सिस. ठीक है, और वर्टिकल जो है उनको वाई से रिप्रेजेंट करें, जस्ट देयर इज अ डिफरेंस कि अगर आपके पास वाई एक्सिस में नेगेटिव पॉइंट्स आ रहे हैं तो उनको आप यहाँ प्लॉट कर दें. ठीक है, नेगेटिव साइड पे देखिए, अगर ये आपके पास है क्वाड्रेंट 1 तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इट शुड बी क्वाड्रेंट 2. ठीक है, इट शुड बी क्वाड्रेंट 3 एंड इट शुड बी क्वाड्रेंट 4. ठीक है, अब देखें कि इस एक्सिस में और इस वाई एक्सिस में, मतलब इस क्वाड्रेंट 1 की वैल्यूज को जस्ट हम चेक करें ना, तो क्वाड्रेंट 1 में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्क कर लें एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव. तो अगर आप ऐसा हिंट लिखना चाहें तो हम यहाँ पे यूं डिनोट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा एक्स भी पॉजिटिव होगा एंड वाई भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस सेकंड क्वाड्रेंट में मार्क कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स प्राइम है. एक्स प्राइम मीन्स देखिए इस पूरे एरिया में आपने नोट करना है ना, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो एक्स प्राइम एक्सिस है वो नेगेटिव को शो कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी. वाई की वैल्यू क्यों पॉजिटिव होगी, इस वाई की वजह से. ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपने ये देखना है कि हमारे पास क्या क्राइटेरिया आ रहा है. अब आप यहाँ पे क्या करें कि इस पॉइंट को लोकेट करें ना, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी. तो देखिए मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में साथ एक्स वाई नहीं लिखा बल्कि सिंपल मैंने प्लस माइनस साइंस वगैरह को शो कर दिया. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए चेक कर लेते हैं. थर्ड क्वाड्रेंट में देखें एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है. इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लिख दें कि एक्स इज लेस देन 0 एंड वाई इज लेस देन 0, दोनों नेगेटिव हैं. अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आप दोनों को रिप्रेजेंट कर दें कि ये दोनों
इस फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके लिए दोनों वैल्यूज लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, x इज ग्रेटर देन जीरो लिख लें और y इज लेस देन जीरो लिख लें। लेकिन जब कोऑर्डिनेट मेंशन करेंगे ना तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि x पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस के साथ वैल्यू होगी और यहाँ पे नेगेटिव के साथ वैल्यू होगी, ठीक है। तो बेसिकली जब हम प्लॉटिंग कर रहे हैं तो उसमें मैटर ये करता है कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये सब टर्म्स क्लियर हैं ना कि हम इनमें पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह प्लॉट करते होते हैं, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बेसिकली हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट कोई से पॉइंट लेते हैं और उन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि एक पॉइंट पी है और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 and 3, ठीक है। आपको एग्जैक्ट लोकेट करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हम इन पॉइंट्स को चेक करेंगे कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट ले लेते हैं 2, 5 और फिर एक और पॉइंट मजीद ले लेते हैं -3 and -6 ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमें प्रॉपर सॉल्व करने की या प्रॉपर प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें मार्क करेंगे कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं P पॉइंट के लिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। तो देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। तो यहाँ मार्क कर दें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। फिर आप देखें कि Q पॉइंट, Q पॉइंट क्या है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस साइन कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स यहाँ पे मार्क कर दें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। फिर आप देखें R पॉइंट -3 और -6 है, -3 और -6 का मतलब ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इसको मार्क कर दें ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस टेक्निक से ना अगर आपको यहाँ से ये आइडिया हो जाता है ना कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाया जा रहा है, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू लोकेट द पॉइंट ग्राफिकली, ठीक है। बेसिकली ग्राफिकली हम इन पॉइंट्स को नेक्स्ट लेक्चर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, बट ये है इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्लॉटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि हमने जिस पॉइंट को मार्क करना होता है उस पॉइंट को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए हमें अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्लियर है तो हम इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं।